नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। साल 2019 वैसे ही बहुत बुरा गया है, उसी का असर साल के शुरुआती महीनों में ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा था कि अब ये कोरोना ने तो पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट को क्रैश कर दिया है, उसकी कमर ही तोड़ दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्च के महीने की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। कई रिकॉर्ड ब्रेक बेस्ट सेलिंग कारों का अता पता ही नहीं है, कुछ इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं तो कुछ फिर से शामिल हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं मार्च के महीने में बिकने वाले टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है मारुति की सेडान डिजायर। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। पुरानी डिजायर और नई वाली डिजायर का वो कंपैरिजन वीडियो है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। मार्च के महीने में इसकी कुल मिलाकर 5,476 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में ये 7,296 यूनिट्स बेचकर 12वें पायदान पर थी। लेकिन इस महीने दो पोजीशन ऊपर उठकर 10वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपये से शुरू होकर 8,80,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की ब्रेजा। मार्च के महीने में इसकी केवल 5,513 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 6,866 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 13वें पायदान पर थी। लेकिन इस महीने चार पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 9वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,34,000 रुपये से शुरू होकर 11,40,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की इको। मार्च के महीने में इसकी कुल मिलाकर 5,966 यूनिट बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 11,227 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये 7वें पायदान पर थी। लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये 8वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,91,000 रुपये से शुरू होकर 6,94,000 रुपये तक मिल जाती है। चलिए आगे मुड़ते हैं। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है ह्यूंडई की वेन्यू। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 6,127 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 10,321 यूनिट्स बेचकर भी ये गाड़ी 9वें पायदान पर थी। लेकिन इस महीने दो पोजीशन ऊपर उठकर ये 7वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,70,000 रुपये से शुरू होकर 11,40,000 रुपये तक मिल जाती है। साहिबान इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है ह्यूंडई की क्रेटा। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 6,706 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में इसकी केवल 700 यूनिट्स बिकने की वजह से ये इस लिस्ट से ही बाहर हो गई थी। सेल्स में गिरावट की एक वजह ये भी है कि इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला था, जिस कारणवश काफ़ी लोगों ने
उस फेसलिफ्ट लॉन्च होने का वेट किया। अब जब ये क्रेटा का नया फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है तो फिर से ये इस लिस्ट में छठे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,99,000 रुपये से शुरू होकर 17,20,000 रुपये तक मिल जाती है। जनाब इस लिस्ट में पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आने वाली गाड़ी है किया की सेल्टॉस। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 7,466 यूनिट बिकी थी, जबकि फरवरी के महीने में 14,024 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी इसी पायदान पर थी। इसमें कोई उछाल या गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन कार की सेल्स में लगभग 50% की गिरावट देखने को मिली है। सेल्टॉस की इस सेल्स में गिरावट का एक कारण न्यू क्रेटा का जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है उसी के चलते ये गिरावट आपको देखने को मिली है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपये से शुरू होकर 16,29,000 रुपये तक मिल जाती है। हुजूर इस लिस्ट में चौथे पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 8,575 यूनिट बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में स्विफ्ट 18,696 यूनिट बेचकर नंबर वन के पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन खिसक कर चौथे पायदान पर आ गई है। इसकी एक वजह ये भी है कि अब ये केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है। जल्द ही इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,02,000 रुपये तक मिल जाती है। लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की वैगन आर। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 9,151 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी के महीने में 18,235 यूनिट बेचकर वैगन आर दूसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये तीसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,51,000 रुपये से शुरू होकर 6,00,000 रुपये तक मिल जाती है। पूरे भारत में इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की एंट्री लेवल ऑल्टो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 10,829 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 17,921 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी तीसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर ये दूसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,00,000 रुपये से शुरू होकर 4,42,000 रुपये तक मिल जाती है। फाइनली अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आई है मारुति की बलेनो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 11,406 यूनिट बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 16,585 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये चौथे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन ऊपर उठकर नंबर वन के पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,71,000 रुपये से शुरू होकर 9,03,000 रुपये तक मिल जाती है। दोस्तों तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो मार्च के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।